ओम शांति। हम सभी को बाबा ने बहुत महान कार्य दिया है विश्व कल्याण का, और याद दिलाया है तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। भक्ति में भी द्वापर युग से तुम भक्तों की पुकार सुनकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते आए हो। अवश्य ये काम तुमने इसी समय किया होगा। अब संसार में बहुत दुख अशांति है, समस्याओं ने तूफान मचाया हुआ है, विकारों ने तबाही की हुई है, अनेक मनुष्य चैन की नींद नहीं सो रहे हैं, अनेक मनुष्य अपने इष्ट देवों को पुकारते हैं। जब भक्त लोग बाप को पुकारते हैं मदद करो, तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों को याद करते हैं, बच्चे इन्हें सकास दो, तुम्हारी सकास से ये बहुत सुखी हो जाएंगे। याद करें हमारा कर्तव्य कितना महान है और हम कितने महान हैं। हमारे वाइब्रेशंस दूसरों के दुख हर लेंगे, हमारे वाइब्रेशंस रोते हुओं को हंसा देंगे, हमारे वाइब्रेशंस उनकी पहचान न होते हुए भी लोगों को समस्याओं से मुक्त कर देंगे, और आगे चलकर लोगों को ये प्रत्यक्ष आभास भी होगा कि हमारे ये देव देवियां हमें इस तरह मदद कर रहे हैं, ये फरिश्ते इस तरह सहयोग कर रहे हैं, और आत्माएं दौड़ी भागी हमारे पास आ जाएंगी। तो अब समय आ गया है कि हम अपने भक्तों की पुकार सुने और उनका कल्याण करें, उन पर उपकार करें, उनकी दुविधाओं को समाप्त करें। इसके लिए रोज हमें सकास देना चाहिए, 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को एक टाइम निश्चित कर लें सभी, और संसार को ही सकास दें। हमारी सकास बहुतों का कल्याण कर देगी जिसका हमें पता भी नहीं होगा, बहुतों को सुख प्रदान कर देगी, बहुतों का योग लगवा देगी, बहुतों के संस्कारों को परिवर्तन कर देगी, बहुतों के परिवार में सुख शांति ला देगी। तो निश्चित करें समय, और अगर हमारे मन और बुद्धि बहुत एकाग्र होंगे, यदि हमने स्वयं को संपन्न किया होगा, यदि हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होंगे, मैं इष्ट देव देवी हूँ वही जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मैं बाप समान हूँ, तो अनेक भक्तों की पुकार हमारी कानों में सुनाई देगी। यद्यपि वो आएगी तो मन में, पर हमें ऐसा आभास होगा जैसे कानों में आवाज आ रही है भक्तों के पुकारने की। तुरंत हम सकास दें उन्हें, हम इंतजार न करें, हम ये न सोचें इन्होंने बहुत पाप कर्म किए तो होने दो इन्हें दुखी, पाप तो उन्होंने किए हैं नो डाउट, लेकिन हमारा कर्तव्य हमें करना है, क्योंकि वे सब हमारी वंशावली हैं, द्वापर युग से हमारे भक्त रहे हैं, हमारे ही परिवार के मेंबर हैं, सब शिव बाबा के बच्चे हैं। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर करें। जो आत्माएं स्वयं को भरपूर करेंगी वही ये महान कार्य भी कर सकेंगी। अगर हम स्वयं ही खाली होंगे, हमारे द्वार पर अनेक लोग आएंगे तो निराश होकर लौटेंगे। संकल्प कर लें हम ऐसा बन जाएं कि हमारे द्वार से कोई भी खाली हाथ न जाए। जैसे प्राचीन काल में भी कई लोग ऐसे रहे कि मांगने वाले द्वार पर आ जाएं, खाली हाथ न जाएं। ये बहुत बड़ी स्थिति है, ये बहुत बड़ी रॉयल्टी है। हम भी अब भगवान के बच्चे हैं, हमारे द्वार पर जो भी आए भरपूर होकर जाए, संतुष्ट होकर जाए, तो भर लें अपने अंदर योग की शक्ति, शांति का खजाना, सुखों का खजाना, प्रेम का खजाना, गुणों का और खुशियों का, वरदानों का खजाना। ये खजाने दूसरों को बहुत मदद करेंगे। तो आज सारा दिन
हम एक छोटा सा अभ्यास करते रहेंगे बीच बीच में, मैं आत्मा जुड़ी हूँ बाबा से, उसकी किरणें मुझ में आ रही हैं और मुझसे जुड़ा है सारा संसार, जैसे सूक्ष्म धागों से जुड़े हुए हैं हम, बाबा की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैलती हैं, इन संसार की सभी आत्माओं को मिलती हैं। ओम शांति।